हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा फोर्थ ब्लॉग है। अराउंड 8 से 9 महीने के बाद मैं अपना फोर्थ ब्लॉग बना रहा हूँ, और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैं कर रहा था, बट बीच में मैंने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है आज के टाइम में, हेयर फॉल, वो मेरे साथ हुआ था। और मैंने काफ़ी मतलब हेयर फॉल का जो एक्सपीरियंस है वो फेस करा था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया था। और मतलब मैं काफ़ी परेशान हो गया था, और ना तो मैं मतलब एक तरह से मैं डिप्रेशन में था कि ना तो ब्लॉगिंग कर रहा था, ना मैं किसी से मिल पा रहा था। मतलब बिल्कुल मैंने बंद सब कुछ मैंने मतलब एक सोशल लाइफ जो होती थी वो बंद कर दी थी। क्योंकि एक हेयर फॉल होना, और वो भी इतना ज़्यादा हेयर फॉल होना, वो बहुत हो रहा था मेरे साथ। तो जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था, उसके बाद मैंने मतलब जो मतलब मोस्टली कॉमन करते हैं लोग बाग यूट्यूब पर सर्च करना, तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करा, जिससे मतलब जो मैंने देखा जो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो होम रेमेडीज बताते हैं, जैसे कि अनियन जूस हो गया, एलोवेरा हो गया, बलायम हो गया, और बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने करी, बट वो मेरे को काम नहीं कर रही थी। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रही थी, हो सकता कुछ अलग रीज़न हो मेरे साथ। जो मेरा हेयर फॉल हो रहा था, और हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं ज़रा से भी हेयर फॉल मतलब हाथों में अगर बालों में हाथ डाल रहा हूँ ना, तो मतलब 5 से 6 बार इजली हाथों में आ रहे थे, चाहे वो फ्रंट से हो या बैक से हो। मतलब बहुत हेयर फॉल हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने मतलब मैं बिल्कुल अगर शीशे में अपने आप को देखता था तो मुझे इतना बुरा लगता था कि ये मतलब हो क्या रहा है। और उस टाइम पर मतलब लॉकडाउन था, तो जिसकी वजह से मैंने अगर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने कॉन्टेक्ट करा उनसे दिल्ली में जो है 2 दिन, बट मतलब लॉकडाउन की वजह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, उनके क्लिनिक काफ़ी बंद थे, तो मैं बहुत परेशान था। तो यूट्यूब पे पूरे दिन में ये सर्च करते रहता था, जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसा मुझे कोई ट्रीटमेंट मिले जिसकी वजह से हेयर फॉल रुक जाए, बट वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। और मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था। मैंने मतलब दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था, ब्लॉगिंग करना और इंस्टाग्राम पर सब कुछ मैं बिल्कुल ही मतलब मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब पर सर्च कर ही रहा था, तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर श्रुति खरे शुक्ला, जो एक हेयर ग्रोथ क्वीन है, उनके बारे में जो पता लगा, तो जब मैं उनके यूट्यूब मैंने देखा, उसके बाद मैं उनके इंस्टाग्राम पेज पर गया, तो मैंने देखा कि मतलब एक मतलब उनके उन्होंने इतने उनके इतने अच्छे रिजल्ट इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा मतलब उनका रिजल्ट इतना अच्छा होगा। मतलब जब जितने भी उनके पेशेंट हैं जिन्होंने उनका मतलब ट्रीटमेंट करा है, और जिनको उन्होंने एक होप दिए कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप गंजे हो रहे हैं तो आपके बाल वापस दोबारा आ सकते हैं, तो मैंने देखा तो मुझे एक मतलब एक उम्मीद दिखी कि मुझे इनसे मतलब कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको मतलब कुछ पिक्चर भेजनी होगी, मेरे स्कैल्प की, जो मैंने उन्हें भेजा, तो स्कैल्प मिडिल का पूरा खाली हो गया था मेरा, मिडिल का साइड का। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आपको ही पता लग जाएगा कैसे मतलब मेरा हेयर फॉल हुआ, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, एक तरह का नाइटमेयर था, मैं पागल सा हो गया था बिल्कुल। तो जब उनको मैंने अपने फोटो भेजा, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपका मतलब जो हेयर फॉल हो रहा है, जो भी स्कैल्प खाली हो गया है वो ठीक हो जाएगा। उनका एक नॉन सर्जिकल हेयर फॉल ट्रीटमेंट देते हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो उन्होंने बोला कि वो कर सकते हैं, बट लॉकडाउन था जिसकी वजह से उनकी क्लिनिक बंद थे, और वो कह रहे थे कि ऑनलाइन वो दे सकते हैं ट्रीटमेंट थ्रू वीडियो कॉलिंग के, बट मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैंने कहा कि जब आपका क्लिनिक ओपन होगा आफ्टर पैंडमिक, तो ज़रूर मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा और आपसे पर्सनली मिलूँगा। तो उसके बाद जब उनका जब पैंडमिक सिचुएशन ओवर होगा, उसके बाद फिर मैं कॉन्टेक्ट करा, फिर उनका एक क्लिनिक है जो नागपुर में, मैं नागपुर गया था, और फिर नागपुर पर्सनली उनसे मिला। उसके बाद मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका हेयर लॉस हुआ है, हेयर फॉल हुआ है, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ जेनेटिक तो नहीं है जैसे आपकी फैमिली मेम्बर में होता है, ये पेरेंट्स में या मामा या फादर है मम्मी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फादर के काफ़ी अच्छे बाल है, इवन 60+ है, बट मेरे साथ ये मतलब 1 से 1.5 साल के बीच में लॉकडाउन में मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ था, उसके वजह से ये सारे मतलब मिडिल में बाल चले गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उनका ट्रीटमेंट होता है वो मैक्सिमम, मतलब उन्होंने बताया था कि आपको 2 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा, काफ़ी अच्छी डेंसिटी ऑफ ग्रोथ आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरे हेयर फॉल होने से पहले मतलब जो मेरे बाल थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी डेंसिटी थी, काफ़ी थिक हेयर था, तो वो मैं आपको अपने फोटो दिखाता हूँ, उससे आपको मतलब एक आइडिया मिलेगा कि कितने अच्छे बाल थे मेरे। उसके बाद जो मेरा हेयर फॉल हुआ,
उस कंडीशन में मेरा बाल कैसा होता हेयर फॉल होने के बाद, जो मिडल पूरा गायब हो गया, बिल्कुल डेंसिटी चली गई थी, वो काफ़ी थीन हेयर हो गए थे मेरे। और जब फिर मैंने रिजल्ट लिया उनसे, जब मैं रिजल्ट जब मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद का जो मेरा रिजल्ट था वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, तो आप वो देखिएगा पहले। तो आपने देख लिया होगा रिजल्ट मेरा, जो हेयर फॉल होने से पहले कितने अच्छे बाल थे मेरे, और जब हेयर फॉल हुआ कोरोना के टाइम में उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया। और अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, मतलब अराउंड 2 महीने होने को आ रहे हैं, और जिसमें एक हफ्ते मैंने उनका मतलब ट्रीटमेंट नहीं ले पाया था, क्योंकि कुछ मतलब आई वॉज नॉट वेल, मुझे कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से एक हफ्ते का मैंने गैप कर दिया। तो अब उनका जो मेरा उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो अब मेरा रिजल्ट है, मैं आपको वो लाइव दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मतलब जो हेयर फॉल के बाद अब जो मैं उनसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो कितना अच्छा मुझे एक मतलब एक रिजल्ट मिला है जो उन्होंने बताया है। मतलब तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे तरह भी काफ़ी लोग आ गए जो हेयर फॉल का मतलब जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं। तो अगर हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ मेरा मतलब अराउंड 2 महीने का रिजल्ट है। अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा 2 महीने का रिजल्ट देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा मतलब रिजल्ट है उनका। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आई होप गाइस आपने देखा होगा जो मेरा रिजल्ट है बिफोर आफ्टर का, तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितना अच्छा मतलब रिजल्ट मुझे मिला है, कितने अच्छे चेंजेस आए हैं मेरे बालों में, क्योंकि जो मेरे बाल थे काफ़ी थिन हो चुके थे और बहुत मतलब बिल्कुल गायब हो गए थे। बट उनके मतलब 2 महीने के अंदर जो मुझे रिजल्ट मिला है काफ़ी अच्छा मिला है, बहुत सेटिस्फाई हूँ। और अगर मैं बात करूँ उनके जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट मुझे हुआ है, वो 1 महीने का वो 13 से 14 हज़ार रुपये मुझे लगा था, जो मैंने 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया है उनके साथ। बट जो मैंने अमाउंट उनको पे कराया उसके बदले में जो उन्होंने मुझे बोला था, वो मुझे रिजल्ट मिला है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और मैं बताना चाहूँगा जो उनकी मेडिसिन है जो उन्होंने मुझे बताई थी लेने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक उनका एक अपना पर्सनल प्रोडक्ट है जोया गेन एडवांस, ये गोली है जो हर रात में लेता हूँ खाना खाने के बाद। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया था, ये है एक हेयर फैक्ट, ये आपको डे बाय डे लेना होता है, इसमें मेंशन कर रखा उन्होंने कि कैसे आपको लेनी है मेडिसिन, संडे को छोड़ के बाकी आप हर दिन ले सकते हैं, ये यहाँ से मेंशन कर रखा उन्होंने। और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब मैं ले रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ चेंजेस हैं, तो वो जो मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि एक मिनोक्सिडिल जो है, ये मिनोक्सिडिल है जो उन्होंने मुझे बताया था लेने के लिए, ये मैं बालों में यूज़ करता हूँ, जो जो डैमेज एरिया जहाँ जहाँ स्कैल्प बिल्कुल खाली है वहाँ मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसका भी अच्छा काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी ट्रीटमेंट मेरा कंटिन्यू है, और अभी मैंने सोचा जो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, 2 महीने का आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपको दिखे कि हाँ कि उनका जो ट्रीटमेंट है, जो वो बोलते हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं कि अभी उन्होंने मुझे बोला है कि आपका कंटिन्यू रहेगा ट्रीटमेंट, तो अभी देखते हैं कि कितने महीने, 2 महीने या 3 महीने और इसके आगे चलता है ट्रीटमेंट। तो जैसे भी आगे का रिजल्ट होगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप वो देखें, ठीक है ना। और सॉरी गाइस, जो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, मैंने मतलब बिल्कुल ही घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। उनका अपना एक पर्सनल ट्रीटमेंट है जो है ग्रोथ सीरम है, जो बालों में इंजेक्टेड करते हैं, ज़्यादा डैमेज हो रही होता है, जिससे काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको इस वीडियो को लेकर या उनके ट्रीटमेंट को लेकर कुछ भी जानना है या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय एंड टेक केयर।